सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है बिकने वीडियो में। लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और खास इवेंट। पिछली बार जब इसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, तो हमारी बीटेक की फैमिली बहुत छोटी थी और ये मेरा इनिशियली फर्स्ट इवेंट था इस चैनल पे। और जितने भी लोगों ने मेरे थ्रू सब्सक्राइब करके इस इवेंट को ज्वाइन करा था, उनमें मोस्ट ऑफ द लोगों को जो है उनके गुडीज प्रोवाइड करे गए थे। ये गूगल का इवेंट नहीं है, ना ही ये कोई अमेजोन का इवेंट, ना ही ये माइक्रोसॉफ्ट का इवेंट है। ये बिल्कुल एक अलग इवेंट होने वाला है जिसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। काफी सारी लर्निंग मिलेगी, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करने का मौका मिलेगा। बता दो कब ये इवेंट स्टार्ट होगा, कैसे आप इसमें रजिस्टर करोगे, क्या रोल पूरी प्रोसेस होने वाली है एंड क्या ये इवेंट होने वाला है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है हर बार, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफी सारे एफर्ट्स होते हैं इन सब वीडियोस के पीछे। ढूंढने में टाइम लगता है, चीजों को फाइंड करने में, देन उनको एडिट करके अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। तो यार एक सपोर्ट आपका जस्ट इतना ही चाहिए, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करके जाया करो, ठीक है, क्योंकि इससे मेरे को नए लोगों तक रीच मिलेगी। सो हम आ चुके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमें जो है जाना है सबसे पहले हमें इस प्लेलिस्ट पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने हैक्टूबर इवेंट पे लास्ट टाइम जो है सितंबर 2022 में एक वीडियो बनाई थी जिसपे बहुत कम व्यूज थे, ठीक है, क्योंकि ये मेरी इनिशियल वीडियो थी और मुझे इतना अच्छे से वीडियो को कन्वे करना, चीज़ों को कन्वे करना नहीं आता था उस टाइम पे। सो यार हम लोगों ने इवेंट पार्टिसिपेट करा था, हमने कॉन्ट्रीब्यूट करा था, मैंने सब लोगों को बताया था कि कैसे इवेंट रजिस्टर करना है, कैसे गेटअप अकाउंट बनेगा, कैसे आपको पहली पुल रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, कैसे आप कॉन्ट्रीब्यूट करोगे रिपोजिटरी के। मैंने उन लोगों के लिए रिपोजिटरी भी बनाई थी जो लोग मेरे अंडर थे। Then मैंने जो है बताया था कि आप कैसे परफेक्ट रिपोजिटरी फाइंड कर सकते हो, क्लेम कैसे करना है स्वैक्स को, देन अनबॉक्सिंग भी मैंने जो है शेयर करी थी आप लोगों के साथ। सो यार ये कुछ स्वैक्स थे, अगर आपने अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो चेकआउट कर लेना इस प्लेलिस्ट में आकर। एंड या अगर आप अभी कंफ्यूज हो रहे हो कि भैया ये पुल रिक्वेस्ट क्या बोल रहे हो, आप गेटअप का क्या बता रहे हो, इतना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, डोंट वरी, ये इवेंट फिर से आ रहा है। सब चीजें वापस से स्टार्टिंग से कवर करेंगे इस बार, और ज्यादा अच्छे वे में, और ज्यादा इजी वे में, और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वे में। चीजें समझते हैं फटाफट इवेंट के बारे में कि इवेंट कब से होने वाला है और क्या क्या अभी आपको समझना है इस इवेंट के बारे में। सो यार चलते सीधे अक्टूबर की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, गूगल पर डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। इवेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला है 17 दिन बाद, 11 घंटे बाद और 49 मिनट्स बाद, ठीक है। मतलब ये पूरा ओवरऑल इनका टाइमर चल रहा है, टाइम टू टाइम ये जो है चेंज होते रहेगा, लाइव काउंटर है, मतलब लाइव काउंट कर रहा है धीरे धीरे टाइम को। ये जो है अपना 10 साल जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं ओपन सोर्स को सपोर्ट करते हुए, ठीक है। इनके जो पार्टनर्स है वो डिजिटल ओशन, ईला और ऐप राइट्स है। इन सब के स्वैग्स भी हमें लास्ट टाइम मिले थे, और आप अगर ने अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो चेकआउट कर लेना। बात कर लेते हैं यार ये इवेंट जो है जनरली होता क्या है। तो यार ये इवेंट में आप ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, लाइक मेरी गेटहब रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी से कंफ्यूज मत होना, मान लो एक फोल्डर है आपका, एक पीसी है, एक फोल्डर है उसके अंदर। अब उसमें मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, थोड़ी देर बाद आके आपने उस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर दिए, आपने थोड़ा अपना टच दे दिया उस प्रोग्राम को और वो वेबसाइट को और ज्यादा एनहेंस कर दिया। सो ये आपका कंट्रीब्यूशन हुआ। ऐसे ही कोई तीसरा बंदा आएगा आपकी पीसी में कुछ टाइप करके उस प्रोग्राम को थोड़ा और अच्छा करके गया, तो ये उसका कंट्रीब्यूशन हो गया। ऐसे कोई चौथा बंदा आएगा, ऐसे कोई पांचवा बंदा आएगा, ये करते जब, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कंप्यूटर के फॉर्म में, ऐसे ही हम इंटरनेट पे भी चीजें करते हैं। लाइक मैं कोई एक प्रोजेक्ट दे देता हूँ, या मैं आपको बोल देता हूँ कि हाँ आपको एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है। अब वो कुछ भी हो सकता है, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हो, चाहे वो इफेल्स का प्रोग्राम हो, चाहे वो आप मैटप्लॉटलिब का प्रोग्राम बनाए, चाहे साइकिटलर्न का प्रोग्राम बनाए, चाहे आप जो स्टिमलिट यूज करके डेटा एनालिसिस का प्रोग्राम बनाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड उसको मैं वेरीफाई करूंगा, वेरीफाई करने के बाद अगर मुझे सही लगता है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, और वो एक्सेप्टेड आपका जो कोड रहेगा वो इन तक पहुंच जाएगा मेरे थ्रू, मेरी रिपोजिटरी के थ्रू, राइट। अब ये कंफ्यूज मत होना कि भैया बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स यूज कर रहे हो आप, अभी के लिए बस समझ लो कि हाँ एक फोल्डर है जिसके अंदर आपको कंट्रीब्यूट करना है, बस इतना समझ में आ गया, अभी के लिए बहुत है। जब ये इवेंट स्टार्ट होगा बाकी डिटेल हम तब डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं, ये इनकी 10 साल की एनिवर्सरी है हैक्टोबर फेस्ट की, और ये लोग आपको बुला रहे हैं वापस से सपोर्ट करने के लिए। अगर आपका फर्स्ट टाइम है, अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आपका 10th टाइम है, हर टाइम ये जो है कुछ नया लेके आते हैं पुल रिक्वेस्ट में, हर टाइम ये जो है ओपन सोर्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप इनकी जो है कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पे, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो। अब हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी है कि हैक्टोबर फेस्ट के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में देने वाला हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात कर लेते हैं आगे वीडियो के अंदर। सो यार ये जो है प्रेप्टेम्बर, प्रेप्टेम्बर मतलब सेप्टेम्बर को ही प्रिपरेशन से जोड़ दिया तो प्रेप्टेम्बर बन गया, ठीक है। तो सेप्टेम्बर जो है वो आपका परफेक्ट टाइम है प्रिपेयर करने के लिए अक्टूबर के लिए। आप जो है अपने रिपोजिटरीज को फाइंड कर सकते हो जहां पे आपको कंट्रीब्यूट करना है अक्टूबर फेस्ट में, जिसमें भी अक्टूबर टैग रहेगा वो आपकी प्रोजेक्ट आईडी रहेगी, और वहां पे जो है आपको गिट से फैमिलियर करा जाएगा, गिट मतलब गेटअप से। एंड ये पूरी ओवरऑल सीन होने वाली है, गेट द इवेंट किट आपको यहाँ से देखने को मिल रही है, कैसे पार्टिसिपेट करना है यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है।
बट अभी ये चिंता नहीं करनी है, सारी चीजें मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अभी एकदम टेंशन में नहीं आना कि कैसे होगा भैया, क्या करने वाले हैं, शांति रखो, धीरे धीरे हम सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीजें डिटेल में आपको बताएंगे। इस इवेंट में दो तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर आपको गेटअप का बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज है तो आप जो है एज अ मेंटेनर बन सकते हो, और अगर आप पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर पार्टिसिपेट करो। अगेन ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी अगर अभी समझाऊंगा तो, जब इवेंट स्टार्ट होगा उससे कुछ दिन पहले से आपको इसके ऊपर वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी जो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, बात कर लेते कि ये जो है अक्टूबर फेस्ट जो है 676 पार्टिसिपेंट्स के साथ स्टार्ट करा गया था 2014 में, देन आज के टाइम पे लास्ट ईयर में जो हुआ था उसमें 1,40,000 से भी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट करा था और काफी सारे लोगों को स्वैग्स मिले थे। हेक्टोबर फेस्ट जो है अब डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ते जा रहा है, और इस साल ये जो है रिवॉर्ड फ्री टी शर्ट की जगह कुछ और नए डिजिटल रिवॉर्ड्स तक जाने का सोच रहे हैं, और ज्यादा आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हो। मतलब इस बार आपको फ्री टी शर्ट्स तो नहीं मिलने वाली, जैसे ये जो मैंने टी शर्ट पहन के रखी ये भी अक्टूबर फेस्ट की आप देख सकते हो, एंड या ऐसे ही इस बार ये लोग फ्री टी शर्ट नहीं देंगे, इस बार ये कुछ नए डिजिटल रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। आप अपने नाम पे एक ट्री को प्लांट करवा सकते हो, डिपेंड करता है कि आप चाहते हो नहीं चाहते हो, वो तो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ आप अपने रिज्यूमे में भी ये चीज मेंशन कर सकते हो कि आपने ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करा है थ्रू अक्टूबर फेस्ट। अक्टूबर फेस्ट एक वेल नोन इवेंट होता है, सो आप लोगों को काफी ज्यादा जो है रिकॉग्निशन मिल जाएगा उस चीज के अंदर अगर आप इंटरव्यू में ये चीज बोलते हो तो। ठीक है, आगे बात कर लेते तो यार ये दोनों जो है आप आराम से पढ़ लेना, ये सेलिब्रेट कर रहे हो बताया, और एमएलए मेजर लीग हैकिंग करके जो है ये होता है, ये अपने ग्लोबल वीक्स को अनाउंस करते हैं और हर वीक कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, आपके लिए चैलेंजेस लेके आते हैं, क्विजेस लेके आते हैं, अगर आप उसमें कॉम्प्यूट करते हो, अच्छे टीम अप करते हो, अच्छे पॉइंट्स लाते हो तो आपको कुछ प्राइजेस मिलते हैं। इवेंट जो है 1 महीने का चलने वाला है, अभी टेंशन नहीं लेनी है, अगेन मैंने जैसा बोला सब चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा टाइम टू टाइम, जल्दी नहीं करनी है, सब चीजें हम समझेंगे। आगे बढ़ लेते, और ये जो है ओपन सोर्स को वो सपोर्ट करते हैं और फुल ये जो है आपको भी बोल रहे हैं कि आप भी करिए, क्योंकि ये जो है आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, आपकी स्किल्स भी इससे बढ़ती है अगर आप ओपन सोर्स में डोनेट करते हो, यानी डोनेट मतलब कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, राइट। डिफरेंट डिफरेंट के वेबसाइट से उसको फॉलो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इन सब चीज़ों पे अपनी चीज़ों को, और ये कुछ टर्म्स एंड सर्विसेज है जो आपको जानने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। फिलहाल में एक इंट्रो वीडियो थी इस इवेंट के बारे में, डिटेल वीडियो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इवेंट आपका मिस नहीं होने दूंगा, सारी चीज़ें हम समझेंगे। बाकी मैंने कैसे पार्टिसिपेशन करना है, कब से पार्टिसिपेशन स्टार्ट होने वाला है, तो 17 दिन बाद से आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, कुछ दिन तक चलता है, तो वीडियो आपको मिल जाएगी 17 दिन बाद, और इवेंट के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करना है, गेटअप आइडिया में लगेगी, सब चीजों के बारे में हम बाद में बात करने वाले, कैसे क्रिएट करोगे, कैसे पुल रिक्वेस्ट में क्लोन करोगे रिपोजिटरी को, सब चीज है। सो टेंशन नहीं लेना है, इवेंट बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है और काफी इन्फॉर्मेटिव है, और आपकी स्किल्स को एनहेंस करता है, ये एक लेवल और बढ़ाता है। अब गेटअप के बारे में थोड़ी सी बात कर ही ली, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि गेटअप जो है जनरली क्या करता है, अगर आपने कुछ भी चेंज करा है, राइट, अब आपने प्रोग्राम में कुछ भी चेंज कर लिया और मान लो मुझे वो सही नहीं लग रहा है, तो मैं उसको रिवर्ट कर सकता हूँ, मतलब मैं बैक आ सकता हूँ, या मुझे पता लग जाएगा कि हाँ यार इस बंदे ने इस टाइम पे इतनी जगह पे इसको चेंज करा था प्रोग्राम को, तो मैं चेंज कर सकता हूँ, एंड आप जो है डिलीट कर सकते हो जो चीज़ हुई है, आप जो है पता कर सकते हो कि उसने कितने पार्ट में चेंजेस करे। अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीट लग रहा होगा अगर आपने गेटअप यूज़ नहीं करा है तो, बाकी बहुत सारी यूज़ है, आप जो है टीम अप कर सकते हो, अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट गेटअप पे डिप्लॉय करके एक साथ उस पर काम कर सकते हो। मेरे को अगर आपने अभी तक गेटअप पे फॉलो नहीं करा तो वहाँ पे फॉलो ज़रूर कर लेना अगर आपकी आईडी होगी तो, और जिनकी नहीं है उनको टेंशन नहीं लेनी है, वीडियो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। सो यार आई होप आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।